तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे आईपीएससी नॉमनक्लेचर की, और ये आईपीएससी नॉमनक्लेचर का हमारा पांचवा पार्ट है। चार पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं, आप लोग पीछे जाकर चार पार्ट मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, आप बेहतर समझ पाएंगे पार्ट फाइव। क्योंकि मेरे आईपीएससी नॉमनक्लेचर का मोटो ही है कि हम बेसिक से बेसिक पॉइंट से शुरू किए हैं, आप सारे बेसिक से बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करिएगा, और आप पांच पार्ट तक जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अभी आगे और भी पार्ट्स आएंगे। तो ये मेरा आईपीएससी नॉमनक्लेचर का पांचवा पार्ट है, और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स का आईपीएससी नाम लिखना जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, और वो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। अब आप एक बात याद रखिएगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स का आईपीएससी नॉमनक्लेचर लिखने के लिए पीछे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में जितने रूल्स मैंने बताए हैं उन सभी रूल्स का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ इस पार्ट फाइव में जो रूल्स बनाऊंगा उनका भी इस्तेमाल होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेकर शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आईपीएससी नॉमनक्लेचर उन कंपाउंड्स का जिन कंपाउंड्स में पॉलीफंक्शनल ग्रुप होंगे। इन कंपाउंड्स में सबसे पहला रूल आप क्या लगाओगे, जब आपका पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले आप उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनोगे। लेकिन अब बात आती है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे चुनेंगे, जैसे कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, सल्फोनिक ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है मान लीजिए। अब तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कैसे चुनेंगे। इसके लिए आपको याद होगा हमने आपको आईपीएससी नॉमनक्लेचर पार्ट वन में एक सीनियरिटी टेबल बनाकर दी थी, उस सीनियरिटी टेबल को आपको लर्न करना होगा। वो टेबल सीनियरिटी ऑर्डर पर लिखी है, जिसकी सीनियरिटी बड़ी है वो उस टेबल में पहले है, जिसकी सीनियरिटी बाद में है वो उस टेबल में बाद में है। अब उस सीनियरिटी टेबल के आधार पर आपको ये चुनना होगा कि आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है। आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में हैं उसमें जो सबसे सीनियर होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और सीनियर कैसे पता चलेगा, सीनियरिटी टेबल से। तो सबसे पहला मैं आपको यहां एक काम ही यही दे दिया दे रहा हूं कि सबसे पहला काम आपका है लर्न द सीनियरिटी टेबल, लर्न द सीनियरिटी टेबल। आपको सबसे पहला काम यहां बेटा सीनियरिटी टेबल को लर्न करना ही होगा, और उस सीनियरिटी टेबल में ही उस ग्रुप्स का सफिक्स नाम भी लिखा है, प्रीफिक्स नाम भी लिखा है। यानी अगर वो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका सफिक्स नाम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसका प्रीफिक्स नाम क्या लिखेंगे। और साथ ही साथ उस टेबल से आप ये जान जाएंगे कि सीनियरिटी किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, यानी अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आए तो आप सीनियरिटी के आधार पर किसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुनेंगे। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिखने से पहले बेटा आप सीनियरिटी टेबल अच्छे से लर्न कर लें, विद देयर सफिक्स नेम, विद देयर प्रीफिक्स नेम, विद देयर ऑर्डर। इसके बाद आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। अभी आप पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिखने बैठ गए और आपको सीनियरिटी टेबल ही नहीं आती तो आप फिर क्या करेंगे, कैसे आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में प्रिंसिपल ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप नॉन प्रिंसिपल ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप सफिक्स सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप प्रीफिक्स सिलेक्ट करेंगे, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए सीनियरिटी टेबल का लर्न होना मस्ट है अब इन कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए। चलिए जब आपकी सीनियरिटी टेबल लर्न हो गई तब हम उस कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। जब सीनियरिटी टेबल लर्न हो जाए तब उस कंपाउंड में हम
selection of principal functional group करेंगे, selection of principal functional group. देखिए कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं. अब जब कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है. एक बात और याद रखिएगा, जब आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो मान लीजिए कंपाउंड में कई सारे ग्रुप हैं तो उसमें से कोई एक ऐसा होगा जिसकी सीनियोरिटी ज्यादा होगी, यानी हाइयर सीनियोरिटी, हाइएस्ट सीनियोरिटी. जो हाइएस्ट सीनियोरिटी होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जिसकी प्रायोरिटी हाइयर है. अब बेटा जब सभी प्रायोरिटीज में सबसे हाईएस्ट वाला प्रिंसिपल हो गया उसके नीचे वाले जो बचे उनका क्या? तो जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप इसमें बचे होंगे, रेस्ट फंक्शनल ग्रुप्स, तो जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं अब वो चूंकि प्रिंसिपल तो है नहीं इसलिए उन बचे हुए फंक्शनल ग्रुप को हम साइड चेन पर गिनेंगे, साइड चेन की तरह गिनेंगे और उनके लिए प्रीफिक्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे. और बेटा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था उसके लिए, बेटा जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप था उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे. ध्यान रखिएगा, जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स नहीं बनेंगे. सेकेंडरी सफिक्स उसमें से कोई एक ही बनेगा जो कि होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपको सीनियोरिटी टेबल के सीनियोरिटी ऑर्डर से पता चलेगा, जो कि आप लर्न कर चुके हैं. अभी मैंने बोला ना लर्न करने को, लर्न कर लिया होगा. अब उस सीनियोरिटी ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने बच गए हैं वो सब साइड चेन की तरह आप काउंट होंगे और वो सब प्रीफिक्स बनेंगे. चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH, SO3H, CH2, CH, CS3, COOH. अब अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक SO3H और दूसरा COOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा सल्फोनिक ग्रुप. सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दो दो फंक्शनल ग्रुप उसके मौजूद हैं. अब सीनियोरिटी टेबल में इसे और इसे देखने पर पता चलता है कि इसकी सीनियोरिटी ज्यादा है, हाईएस्ट सीनियोरिटी है ये. इन दोनों के कंपेयर में इसकी सीनियोरिटी ज्यादा है, तो जब इसकी सीनियोरिटी ज्यादा है तो इसे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी सफिक्स वाला, ये सफिक्स कहलाएगा. और जब ये सफिक्स कहलाएगा तो इसका सफिक्स नाम होगा और इसका नाम लिखा जाएगा ओइक एसिड. लेकिन ये वाला क्योंकि अब हाईएस्ट सीनियोरिटी तो ये बन नहीं पाया, अब जब हाईएस्ट सीनियोरिटी ये बन नहीं पाया तो ये हो गया रेस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स. और अगर ये प्रीफिक्स है तो इसका प्रीफिक्स नाम होगा, अब इसका नाम होगा सल्फो, एज अ प्रीफिक्स साइड चेन की तरह हम इसे
कंसीडर करेंगे। लेकिन इसी को हम आगे एक और एग्जांपल देते हैं। जरूरी नहीं कि अगर किसी कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स बना है तो वह जीवन भर प्रीफिक्स ही बनकर रह जाएगा। बेटा वो तो सिचुएशन डिपेंडेंट है। अगर उनसे हायर कोई है तो वो प्रीफिक्स और वो सफिक्स, और अगर कल को इस कंपाउंड में इनसे हायर कोई ना होता तो यही सफिक्स बन जाते। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी किसी भी कंपाउंड का सफिक्स बन्ना या प्रीफिक्स बनना उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अच्छा, एक लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब सीनियोरिटी टेबल होगी तो उसमें एक तो भाई एक ऐसा होगा ही जो उस टेबल में सबसे ऊपर होगा, और जो उस टेबल में सबसे ऊपर होगा तो बेटा फिर जितने भी फंक्शन ग्रुप लाओगे सबसे ऊपर वाला ही सफिक्स बनेगा, यानी वो हमेशा, समझ ही रहे हो, सफिक्स ही रहेगा। चलिए इसी को हम इस तरह से लिख लेते हैं एक बार। कई सारे लगा लिए। आप देखिए, ये मेरे पास हो गया SO3H, ये मेरे पास हो गया OH, और ये मेरे पास हो गया NH2। अगर आप देखें तो अब इसमें आपके पास तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, एक SO3H, OH, NH2। अगर सीनियोरिटी टेबल में देखेंगे तो सीनियोरिटी टेबल में अब इन तीनों को कंपेयर करें तो ये वाले इन दोनों के अपेक्षा हायर सीनियोरिटी है, और अगर हायर सीनियोरिटी है तो ये यहां पर इस बात बन जाएंगे सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब अब इनका नाम सल्फो नहीं होगा, क्योंकि सल्फो इनका नाम तब था जब ये प्रीफिक्स थे, लेकिन अब ये सफिक्स हैं। अब इनका नाम होगा सल्फोनिक एसिड। और ये भाई साहब बन गए प्रीफिक्स, और ये भाई साहब भी बन गए प्रीफिक्स, क्योंकि हाईएस्ट सीनियोरिटी को छोड़कर जितने भी फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं वो सब प्रीफिक्स होते हैं। अगर ये सफिक्स होते तो इनका नाम ऑल होता, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो इनका प्रीफिक्स वाला नाम, इनका नाम होगा हाइड्रोक्सी। वैसे ही अगर ये सफिक्स होते तो इनका नाम सफिक्स वाला होता, लेकिन अब ये प्रीफिक्स हैं, और अगर ये प्रीफिक्स हैं तो अब इनका नाम प्रीफिक्स वाला होगा। इनका सफिक्स वाला नाम एमीन था और प्रीफिक्स वाला नाम एमिनो है, अब इनका नाम होगा एमिनो। तो आपने देखा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो तो उस फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। जब आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद बचे हुए ग्रुप अपने आप प्रीफिक्स हो जाते हैं, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो सफिक्स हो जाता है। इसलिए नाम के दौरान प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स नाम देंगे और बचे हुए सभी फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स नाम देंगे। इतना हो जाने के बाद आप रूल थ्री लगाएंगे, तो यहां नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं रूल थ्री। तीसरा पॉइंट लगाएंगे। अब आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करनी होगी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। आपको मालूम होगा कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में जब जब मैंने पढ़ाया, हमारा सबसे पहला रूल पेरेंट चेन का ही सिलेक्शन होता था। कारण, क्योंकि वहां पर या तो फंक्शनल ग्रुप होते नहीं थे या एक होता था। जब एक होता था तो उसमें प्रिंसिपल और एक्जिलरी को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के रिस्पेक्ट में हम पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप थे, इसलिए पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमें कौन सा प्रिंसिपल लेना है, और जो प्रिंसिपल लेना है उस प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ही पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी। तो जब प्रिंसिपल ही नहीं पता होगा तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट होगी, इसलिए सबसे पहले हमें
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए सीनियोरिटी टेबल याद रखना होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीनियोरिटी टेबल याद करिए, फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करिए, फिर पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करिए। देखिए पेरेंट कार्बन चेन में वही वाले रूल्स लगेंगे। सबसे पहली बात, आपको उस पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रिंसिपल है वो आ रहा हो। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन रखने वाला भी हो सकता है, बिना कार्बन वाला भी हो सकता है। अब कार्बन रखने वाले के लिए रूल पार्ट फोर में पढ़ाया, बिना कार्बन रखने वाले के लिए रूल भी पार्ट फोर में लगाया। तो जो भी पार्ट फोर में मैंने आपको चेन को सिलेक्ट करने के लिए रूल पढ़ाए थे वो सारे यहां लगेंगे। साथ ही साथ एक बात आप और याद रखिएगा कि हमेशा आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हमेशा उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो, आता हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता हो। दूसरी बात, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए सबसे लंबी कार्बन की चेन हो, तीसरी बात सबसे ज्यादा मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन आ जाए उसमें। याद रखिएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करते वक्त आप एक काम करेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन चेन में आ जाता हो। अगर कार्बन रखने वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन चेन का हिस्सा बन जाए, और अगर कार्बन ना रखने वाला हो तो वो डायरेक्ट कार्बन चेन से अटैच हो जाए। कल यानी पार्ट फोर में मैंने आपको ये दो रूल पढ़ाए थे, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा फिर से पार्ट फोर जाएगा पढ़ेगा। दूसरी बात, कार्बन ज्यादा से ज्यादा आ सके, और तीसरी बात मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स उसमें आ जाएं या मैक्सिमम साइड चेन्स उसमें आ जाएं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल लेता हूं, कई सारे एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास एक चेन है, देखिए अगर हम इसमें कार्बन चेन को सेलेक्ट करें तो सबसे पहली शर्त यह है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में आना चाहिए। अब चूंकि इन दोनों में देखो तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, अब कार्बोक्सिलिक कार्बन चेन में आना चाहिए। अब अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन ना रखता होता तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते, क्योंकि यही सबसे लंबी चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन रख रहा है, तो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन रखता है तो चेन को सिलेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन का इन्वॉल्व होना चेन में जरूरी है, यानी ये तो चेन में अब आएगा ही। अब यहां पहुंचने के बाद इधर भी जा सकते उधर भी जा सकते, यानी जो 7 कार्बन की चेन थी वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन यानी प्रिंसिपल चेन यानी पेरेंट चेन नहीं बनेगी। पार्ट फोर में आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है ऐसा क्यों। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना हो तो पेरेंट चेन वो सिलेक्ट की जाती है जिस चेन में वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो चेन वो सिलेक्ट की जाती है जिसमें वो कार्बन खुद गिनती में आए। तो अगर हम ये चेन सिलेक्ट कर देंगे तो ये कार्बन चेन से बाहर चला जाएगा और उस गिनती में नहीं आएगा, इसलिए हमको ये चेन में रखना ही रखना है। अब इसको रखते हुए जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 की चेन, 1, 2, 3, 4, 5 की चेन, उधर भी जाओ तो 5 की, इधर भी जाओ तो 5 की। हम कह रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का आना जरूरी है, दूसरा कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो।
अब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो सात वाली थी वो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ले नहीं रही थी, इसलिए वो सात वाली तो चुनी नहीं जाएगी। अब हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, इसको रखते हुए ये पांच और ये पांच, जबकि दूसरा अगला रूल कह रहा है मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन आ जाए। अगर हम उधर जाएंगे तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम इधर आएंगे तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन देखिए आ जाएंगे उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उस पेरेंट चेन में। तो ये हमारी चेन का सिलेक्शन होगा। अच्छा, यहीं पर मैं आपको इस वाले के साथ एक और बात समझा देता हूं। चलिए, अब मैं ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले लेता हूं जिसमें कार्बन नहीं है, तब देखिए चेन का सिलेक्शन बदल जाएगा। देखिए, सेम वही कंपाउंड है, सेम वही कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड में हम यहां पर NH2 लगा दें। अब देखिए, दो फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें और दोनों में पहली बात तो कार्बन नहीं है। दूसरी चीज, अब हम इन दोनों में पहले सीनियोरिटी ढूंढें, तो सीनियोरिटी OH की बड़ी है NH2 से। OH के रिस्पेक्ट में चेन सेलेक्ट होगी, OH के रिस्पेक्ट में चेन सेलेक्ट होगी और OH में कार्बन नहीं है। जब कार्बन ना हो तो उस कार्बन को गिनने की आवश्यकता नहीं होती, तब हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें OH डायरेक्ट आ जाए। ये अब ये चेन सिलेक्ट होगी, OH डायरेक्ट जुड़ा है उस चेन में और मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन भी आ गए। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, यहीं पर एक बात और भी आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यही OH यहां के बजाय यहां होता तो चेन वो वाली सिलेक्ट होती, क्योंकि हमने कहा था कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए। जैसे ये चेन ऐसी होती, नीचे नहीं दिख रहा होगा मैं, लेकिन यहां दिख रहा होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं। चलिए इतने ही ले लेते हैं कार्बन, मान लीजिए NH2 लगा दीजिए, मान लीजिए Cl लगा दीजिए। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब हम इस वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ये। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए ही चेन सिलेक्ट करनी है। यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला था, इसलिए उसको चेन में इन्वॉल्व करना पड़ा। यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला नहीं था, इसलिए उसे चेन में तो इन्वॉल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन वो ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिस चेन में वो डायरेक्ट अटैच हो। तो ये मेरे पास हो गया सिलेक्शन ऑफ चेन। तो सिलेक्शन ऑफ चेन के दौरान पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में सिलेक्शन ऑफ चेन के दौरान आप याद रखेंगे, सबसे पहली बात आप ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में इन्वॉल्व हो। अगर वो कार्बन रखने वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन का हिस्सा बनना चाहिए, और अगर वो बिना कार्बन रखने वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन में डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ज्यादा डिटेल के लिए इन दोनों पॉइंट्स में, कार्बन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप और कार्बन ना रखने वाले फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरा पार्ट 4 देखेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे बहुत डिटेल में बात हुई है। साथ ही साथ आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला पर नहीं तो उसे सिलेक्ट नहीं करना है, हमें उसे सिलेक्ट करना है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन में आना चाहिए, उस चेन में आना चाहिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। दूसरा काम, मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन, मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन हमारी पेरेंट चेन का हिस्सा हो, यानी ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हमारी पेरेंट चेन में आते हो, इसके बाद ही आप उस चेन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास चौथा रूल आता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। जब आपकी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट हो गए, तो चौथा पॉइंट आता है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन इन चेन या इन पेरेंट चेन,
पेरेंट चेन में कार्बन को नंबर दीजिए। अब आपने कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली, अब कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली तो आप पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को नंबरिंग भी देंगे। पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को नंबरिंग देने के सेम वही रूल हैं जो मैंने आपको पार्ट फोर में पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाया था पार्ट फोर में भाई? मैंने आपको पार्ट फोर में पढ़ाया था कि आप कार्बन चेन को नंबरिंग देते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है कि नहीं है। अब यहां वही बात कह देंगे, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है कि नहीं है। अगर उसमें कार्बन है तो बस उसी कार्बन को पहला नंबर दिया जाएगा, तो यानी ये पहला नंबर हो गया। बस बाकी आप चेन को सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहला नंबर हो गया तो ऑफकोर्स ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो कार्बन नहीं है ऐसे केस में जब नंबरिंग करनी हो तो आप नंबरिंग हमेशा उस साइड से करिए जिस साइड से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, मतलब छोटा नंबर प्राप्त हो। जैसे ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 और इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और 5, पांचवा नंबर मिल रहा है। तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से उसको छोटा नंबर मिले, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से नंबरिंग होगी। वैसे इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देने के लिए जहां पर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है बेटा वहीं से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके पास हो गई नंबरिंग। बेटा इसीलिए मैं बार बार कहता हूं पांचवा वीडियो देखने के लिए सिर्फ पांचवे से ही नहीं समझोगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर है, एक बेहतर समझदारी तुमको तब आएगी जब तुम मेरा IUPAC नॉमेनक्लेचर का पहला वीडियो देखें, उसको पढ़ें समझें, जब सब समझ जाएं तब दूसरा वीडियो देखें उसको पढ़ें उसको समझ जाएं तब तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवा, आठवा, जितने याद आएंगे एक सीरीज में उसे देखिएगा। क्योंकि एक पार्ट में मैं बेसिक से बेसिक बात करता हूं, फिर दूसरे पार्ट में थोड़ा उससे ऊपर, फिर तीसरे पार्ट में थोड़ा उससे ऊपर, फिर चौथे पार्ट में थोड़ा उससे ऊपर, है ना। तो आप बेसिक से शुरू करें, आप यकीन मानिए कोई भी IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके सामने आएगा आप ऐसे चुटकी बजा कर लिख देंगे, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन तब जब आप पूरी ईमानदारी से आप पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक ध्यान से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जो एक्सरसाइज हर लेक्चर में मैं लास्ट में कराता हूं वो एक्सरसाइज करते जाएंगे, आप परफेक्ट बनेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में या जो भी मैं पढ़ाऊंगा अब आगे। अभी मैंने नया नया ही शुरू किया है लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप सब कुछ समझेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे। चलिए हम बात करते हैं। तो इन सारी बातों के बाद मैं आपको कुछ नोट बता रहा हूं, इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है चेन को सिलेक्ट करने में, कुछ सिचुएशन मैं आपके सामने डाल रहा हूं जिनमें आपको चेन को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जरा थोड़ा सा बोर्ड मिटा लेते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ कंडीशंस डालता हूं। जैसे देखिए नोट, जितने रूल आज मैंने पढ़ाए हैं उसमें कुछ मैं आपके लिए कंडीशंस डाल रहा हूं जिसमें आपको कुछ अलग जानकारी की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक कंडीशन मैं आपके सामने डाल रहा हूं, अगर कभी किसी चेन में सेम प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए और सेम प्रायोरिटी ग्रुप चेन की दोनों साइड से सेम पोजीशन पे भी आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो देखिए जैसे सिचुएशन यह है कि मान लीजिए तुम्हारे पास CH2, मैं छोटा सा कंपाउंड लेता हूं इसी में आप सिचुएशन समझ जाएंगे, CH2 इधर से आ जाए CL, इधर से आ जाए BR। आपको मालूम है सीनियोरिटी टेबल में हैलोजन्स एक ही जगह रखे हैं,
एक ही सीनियोरिटी टेबल में एक ही जगह हैलोजन है, और हैलोजन सफिक्स नहीं होते क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये प्रीफिक्स होते हैं, यानी साइड चेन की तरह ही काउंट होंगे। पर समस्या ये है कि नंबरिंग किधर से करें, क्योंकि ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, सीनियोरिटी टेबल में इन दोनों की पोजीशन एक ही है। अब जिसकी सीनियोरिटी ज्यादा होती उधर से नंबरिंग कर देते, लेकिन ये तो दोनों सेम सीनियोरिटी रख रहे हैं। ऐसे केस में देखें, ऐसे केस में जब हमारे पास किसी भी चेन में दो ऐसे ग्रुप लगे हों जिस ग्रुप की सीनियोरिटी टेबल में सेम सीनियोरिटी हो, अब आप उसमें हाईएस्ट सीनियोरिटी और लोएस्ट सीनियोरिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तब जब लोएस्ट और हाईएस्ट सिलेक्ट नहीं हो सकती तो चेन की नंबरिंग कैसे की जाए? इस साइड से तो इसे वन मिलेगा क्लोरीन को, ब्रोमीन को थ्री मिलेगा, और इस साइड से तो ब्रोमीन को वन मिलेगा और क्लोरीन को थ्री मिलेगा। अब ऐसे केस में हम करें क्या? तो ऐसे केस में एक बात याद रखिएगा, जब सेम सीनियोरिटी सेम पोजीशन पा रहे हैं, मतलब नोट में मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि जब सेम सीनियोरिटी सेम पोजीशन पा रहे हो, सेम पोजीशन, सेम सीनियोरिटी सेम पोजीशन, तो ऐसे केस में नंबरिंग हमेशा उस ग्रुप के साथ करिएगा जो अल्फाबेट में पहले आता हो। जैसे जब सेम सीनियोरिटी सेम पोजीशन अल्फाबेटिकली, नंबरिंग की जाएगी अल्फाबेटिकल में, ये बी आर ब्रोमो, ये सी एल क्लोरो, बेटा बी आर में और सी एल में देखो तो ये बी और ये सी, ब्रोमो पहले आता है, यानी नंबरिंग इधर से की जाएगी, वन टू थ्री, इसका नाम हो जाएगा तीन कार्बन तो प्रोपेन। अब ये दोनों प्रीफिक्स, इसके लगे लगेगा ब्रोमो, इसके लगेगा क्लोरो, तो ब्रोमो वन पर है तो इसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो थ्री क्लोरो, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो प्रोपेन। तो समझ गए, अगर सीनियोरिटी ग्रुप चेन की दोनों साइड से ऐसी सिचुएशन में मौजूद हो कि वो सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं, एक एक साइड से और दूसरा दूसरी साइड से सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है और सेम प्रायोरिटी है उनकी, तो ऐसे सिचुएशन में आप अल्फाबेटिकली देखेंगे जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आ रहा होगा, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके नाम के आधार पर उसके हिसाब से हम नंबरिंग कर देंगे। ब्रोमीन में अल्फाबेटिकली बी पहले आ रहा था तो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में नंबरिंग होगी। अच्छा मान लीजिए यहां पर क्लोरीन होता और एक आइडो होता, तो फिर आइडो का आई और क्लोरीन का सी, तो फिर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नंबरिंग होती है ना। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा जिसका नाम, उसके रिस्पेक्ट में नंबरिंग की जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के कुछ रूल्स हो गए। अब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स पर अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे और हम आपके लिए उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए भाई हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की, और मैं इससे पहले चार एक्सरसाइज करा चुका हूं और ये पांचवा पार्ट है, और पांचवे पार्ट में हम एक्सरसाइज फाइव कराएंगे आपके लिए। तो चलिए भाई हम लोगों ने एक एक्सरसाइज ले ली है जिसमें कई सारे कंपाउंड हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स रखने वाले कंपाउंड्स हैं, हम लोग इनका नाम लिखते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे पहला कंपाउंड है, अब सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे।
देखिए एक फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक्चुअली बीआर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो चलिए भाई, हम लोगों ने एक एक्सरसाइज ले ली है और इस एक्सरसाइज में कई सारे कंपाउंड लिखे हैं, हम लोग इनके नाम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम लोग बात करते हैं। तो पहले कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में जो भी कंपाउंड आपके सामने आएगा उसमें सबसे पहले आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, नहीं है, OH, यहां भी कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं, यहां COOH, दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप। दोनों को अगर सीनियोरिटी टेबल में देखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सीनियोरिटी ज्यादा है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और OH रेस्ट ग्रुप में चला जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रिंसिपल है, इसी के रिस्पेक्ट में चेन सेलेक्ट की जाएगी और इसी के रिस्पेक्ट में अब नंबरिंग होगी। तो जब इसके रिस्पेक्ट में चेन को सेलेक्ट करेंगे तो देखते हैं, इसमें खुद कार्बन है तो उसका कार्बन पहला कार्बन, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात कार्बन की चेन बन रही है। और नंबरिंग करिए तो नंबरिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन हो तो उसी को वन दिया जाता है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो सात कार्बन की चेन है। थ्री पर ब्रोमो है, फोर पर एथिल है, सिक्स पर मेथिल है और फाइव पर हाइड्रोक्सी है। अगर हम लोग बात करें तो जितने भी साइड चेन्स हैं, अब ये फंक्शनल ग्रुप सब ये साइड चेन की तरह कंसीडर किए जाएंगे इसको छोड़कर। अब हम एक दो तीन और चार लोगों को लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो पढ़ लिया अल्फाबेट कैसे, सबसे पहले बी आर आएगा क्योंकि बी है, फिर एथिल आएगा क्योंकि ई है, फिर हाइड्रोक्सिल आएगा क्योंकि एच है और फिर मेथिल आएगा। अल्फाबेट करिए भाई, आप शुरू करोगे ए बी बी आ गया, सी डी ई ई आ गया, एफ जी एच एच आ गया, अब जाहिर सी बात है एक बचा तो मेथिल उसके बाद ही आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले थ्री ब्रोमो, फिर फोर एथिल, फिर फाइव हाइड्रोक्सी, फिर सिक्स मेथिल और सात कार्बन के लिए हेफ्ट, सब सिंगल बॉन्ड एन, पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओइक एसिड, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स का ई हटा दीजिए, लगा दीजिए ओइक एसिड, नाम हो जाएगा थ्री ब्रोमो फोर एथिल फाइव हाइड्रोक्सी सिक्स मेथिल हेप्टेनोइक एसिड। चलिए इनका देखिए भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो और ओएच, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन दो हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, चेन तो ये सिलेक्ट होगी लेकिन नंबरिंग इधर से करें या उधर से, तो देखिए इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले पर, दूसरे पर एक चेन है, इधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले पर, दूसरे पर कोई चेन नहीं है, तो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली बता रहा हूं मैं, लॉजिकली जिधर से चेन पहले आएगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, देखिए मेथिल एमिनो हाइड्रोक्सिल, एमिनो अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो फोर एमिनो, फिर हाइड्रोक्सिल आएगा फाइव हाइड्रोक्सिल, फिर मेथिल आएगा तो टू मेथिल, फिर बेटा आठ कार्बन तो ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड तो एन
ई हटा दिया मैंने पहले से ही, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स लगाना है, सेकेंडरी सफिक्स पहले और आठवें कार्बन पर है, तो ऑक्टेन 18 डाइओइक एसिड, क्योंकि अगर सेकेंडरी सफिक्स से ज्यादा हो तो नंबर के साथ साथ उनका डाइट्राइटेटा भी बताना पड़ता है कि कितने हैं। बेटा यहां देखिए मेथिल है, एमीन है, डबल बॉन्ड है और SO3H। अच्छा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो तो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स अगर डबल सिंगल ट्रिपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा ये प्रीफिक्स नहीं हो सकते कभी, ये सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। अब जहां आज तक हम एन लगाते थे वहां अब हम एन लगाने लगेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, वो प्राइमरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स को ढूंढने का हम लोग मुद्दा रखते हैं यहां पर, एक और दो इन दोनों में से सेकेंडरी सफिक्स ढूंढना है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा इसकी प्रायोरिटी कम, तो सेकेंडरी सफिक्स ये है। जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसी के आधार पर चेन को सिलेक्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर नंबरिंग की जाएगी, तो इसके आधार पर चेन को सिलेक्ट करिए और नंबरिंग करिए, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। चलिए नाम देते हैं, 2 पर NH2 है एमिनो और 5 पर मेथिल है, अल्फाबेटिकली एमिनो पहले आएगा तो 2 एमिनो, 5 पर दो बार मेथिल है तो 5 डाइमेथिल, 6 कार्बन तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, लेकिन कितने पर डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पर तो 3 इन, और बेटा पहले पर सल्फोनिक एसिड है तो 3 इन कॉमा 1 सल्फोनिक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2 एमिनो 5 डाइमेथिल हेक्स 3 इन 1 सल्फोनिक एसिड। चलिए आ जाइए इनकी बात करते हैं, NH2 है मेथिल है और OH है। आप अगर इसमें देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH होगा, क्योंकि इनमें जितने भी मौजूद हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी OH की है, तो सारा काम अब OH के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए यहां गलती लोग कर देंगे, कहेंगे सर जी देखिए जहां आप फंक्शनल ग्रुप चुनते थे और वहीं से नंबरिंग शुरू कर देते थे और यहां OH हो गया, ए ये घोर बंद, नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, देखिए OH जरूर है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, लेकिन OH के पास अपना कार्बन थोड़ी है, जब अपना कार्बन नहीं है तो उस कार्बन से नंबरिंग नहीं हो सकती, तब तो आपको लंबी चेन ढूंढनी होगी है ना, और उस चेन में OH आए बस ये शर्त है, तो लंबी चेन ये है 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अगर एक OH की जगह COH होता तो हम यहां से नंबरिंग कर देते क्योंकि उसका कार्बन इंक्लूड करना होता है, इसमें OH थोड़ी है, इनका कार्बन इंक्लूड थोड़ी है। कब कहोगे सर सल्फोनिक वाले में तो 1 दिया था, बेटा इसके आगे कोई चेन ही नहीं था, अगर यहां एक CH3 लगा होता तो फिर हम 1 और 2 गिनते उसको। चलिए तो एमिनो मेथिल तो 4 5 डाई एमिनो, साथ में 3 पर मेथिल और 6 कार्बन हेक्स सब सिंगल बॉन्ड एन और 2 पोजीशन पर ऑल तो 2 ऑल हेक्स 2 ऑल हेक्सेन 2 ऑल। यहां अल्फाबेटिकली नाम लिख दिया हमने, एमिनो पहले आ रहे थे मेथिल बाद में आ रहे थे, यहां नंबरिंग करिए तो बेटा आएगा ये 1 2 3 और 4। बेटा 3 और 4 पर 2 क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा 3 4 डाई क्लोरो और 4 कार्बन तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और पहले पर ओइक एसिड तो ब्यूटेनोइक एसिड। चल सी एन बी आर ओ एच कार्बोक्सिल ग्रुप, प्रायोरिटी का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप ही आता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसी का आदेश पर सारे काम होने हैं 1 2 3 4 5 और 6 यह हो गई हाईएस्ट प्रायोरिटी, कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में नाम लिख दिया गया। चलिए आ जाइए 3 पर OH, 4 पर ब्रोमो, 5 पर साइनो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा तो बेटा 4 ब्रोमो 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन तो हेक्स एन ओइक एसिड, तो 4 ब्रोमो 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सनोइक एसिड। तो अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो परेशान मत होइएगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप में पॉलीफंक्शनल ग्रुप भी आप आम नॉर्मल कंपाउंड्स की तरह ही करेंगे, बेसिकली आप रूल्स को
ध्यान से पढ़ा करिए और रूल्स को दिमाग में बैठाया करिए। जितनी बातें मैंने वीडियो 1, 2, 3, 4 और 5 में बताई हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़िए, अप्लाई करिए, सारे नाम लिखे जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी कंपाउंड है जिसका आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, जो नहीं जानते वो कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी मांग सकते हैं, फेसबुक आईडी मांग सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और जानिएगा, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 5 तक अभी तक मैंने जितने भी कंपाउंड पढ़ाए हैं उसमें आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी लिए हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट हैं, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। सर, सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, मार्कर गिर गया बेटा उठा ले, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अगर आपके पास देखिए OH है तो एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो भी एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, सल्फोनिक एसिड तो भी एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, लेकिन अगर वहीं इन फंक्शनल ग्रुप की बात करिए, जैसे ईथर देखिए दो तरफ जुड़ रहा है, कीटोन दो तरफ जुड़ रहा है, ईस्टर दो तरफ जुड़ रहा है, यानी अभी तक हम लोगों ने मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात की है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हमने कहीं भी अब तक नहीं डाले, जानबूझकर नहीं डाले, क्योंकि एक एक हमने आपसे क्या कहा था, मेरी टैगलाइन ही थी बेसिक से भवकाल तक, बेसिक से भवकाल तक, अभी तो बेसिक से ही शुरू किया है, अभी तो भवकाल तक जाना है। तो बेटा हम मोनो वैलेंट फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए, अब हम आपको अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिन फंक्शनल ग्रुप में बाइवैलेंसी होगी। बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का नॉमनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा, मतलब ईथर, कीटोन, ईस्टर, ये जो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनका नॉमनक्लेचर कैसे किया जाएगा, जानने के लिए पार्ट 6 देखिएगा, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का नॉमनक्लेचर।